नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। बहु अकबरपुर गांव की कबड्डी टीम बनी मंडोरा में विजेता। बुजुर्गों की दौड़ में कुलदीप खत्री रहे अव्वल। चौधरी टीकाराम की जयंती पर मंडोरा गांव के चौधरी टीकाराम खेल परिसर में चौधरी टीकाराम वेलफेयर एवं चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से 6ठी हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। इस प्रतियोगिता में पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय गोयल, सांसद रमेश कौशिक व गन्नौर विधायक निर्मला चौधरी पहुंचे, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश के खिलाड़ी देश ही नहीं दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खरगोदा क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 334B मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही IMT में मारुति का निवेश क्षेत्र की किस्मत बदलने का काम करेगा, जल्द ही क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने गांव के विकास के लिए सांसद निधि से 10 लाख रुपए देने का भी इस दौरान घोषणा की। कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान बुजुर्ग की दौड़ आकर्षक का केंद्र रही, जिसमें चटिया गांव निवासी कुलदीप खत्री ने पहला स्थान पाकर 1100 रुपये, मंडोरी केंद्र ने दूसरा स्थान पाकर 700 रुपये, तीसरे स्थान पर रही धर्मपाल मंडोरा ने 500 रुपये, प्रताप व सतबीर ने 200-200 रुपये जीते। आयोजक समिति प्रधान डॉक्टर अनिल दया ने बताया कि प्रतियोगिता में किस टीमों ने हिस्सा लिया था। सेमीफाइनल में फरमाना के 9 अंकों के मुकाबले बहकबरपुर की टीम ने 18 अंक लेकर फाइनल में जगह पकी की। वहीं सीख ने गिरावड़ के 14 अंकों के मुकाबले 20 अंक लेकर फाइनल में प्रवेश किया। सिंह की 11 अंकों के मुकाबले बहु अकबरपुर की टीम ने 20 अंक लेकर फाइनल मैच जीता। विजेता टीम को 71,000, उपविजेता को 51,000 व संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहने वाले गिरावड़ व फरमाना की टीम को 15,500 रुपये का इनाम दिया गया। इस दौरान प्रधान मनजीत, नीटू वेदपाल, राजीव दहिया, प्रीतम खोकर, राजवीर छरोट, धर्मदेव, जगदेव, सुरेंद्र बानिया, महावीर दहिया, रामकृष्ण मंडोरा, दर्शन, सतीश छरोट, ताराचंद, डॉक्टर परमजीत, धर्मपाल गर्ग, छोटू तुरकपुर, मुकेश दहिया, हलालपुर आदि मौजूद रहे। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।